चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2009 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो कह रहा है कि रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द इनर सर्फेसिज ऑफ द टू वेरी लार्ज आइसोथर्मल पैरेलल मेटल प्लेट्स बिटवीन द इनर सर्फेसिज, ठीक है। ये टू इनफाइनाइट पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं दोनों, लार्ज हैं। व्हाइल द अपर प्लेट डेजिग्नेटेड एज प्लेट वन इज ए ब्लैक सरफेस, ब्लैक सरफेस है भाई अपर वाला प्लेट, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इज द वार्मर वन बीइंग द मेंटेन्ड एंड इज द वार्मर वन बीइंग मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 727 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन? 7800 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। टेम्परेचर T1 कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल मतलब 1000 केल्विन पे ही रहेगा। और क्या है? ब्लैक सरफेस है। एब्जॉर्प्टिविटी 1, ठीक है। द लोअर प्लेट प्लेट टू भाई ये तो ब्लैक सरफेस है, ब्लैक। और ये है डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस, ये जो प्लेट टू है ये है डिफ्यूज एंड ग्रे, इसके बारे में बता रखा है डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस। ये क्या है? ब्लैक सरफेस विद एन इमिसिविटी, भाई जब ब्लैक सरफेस नहीं है डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस है तो इमिसिविटी होगी ना कुछ एप्सिलॉन 2, ठीक है। इसकी इमिसिविटी कितनी होगी? 1, एब्जॉर्प्टिव 1, इमिसिविटी 1, हाँ ठीक है। इमिसिविटी 0.27 मतलब 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये, तो कितना केल्विन? 300, 400, 500 केल्विन। तो टेम्परेचर T2 कितना है? 500 केल्विन। एज्यूम दैट द सर्फेसेज आर सफिशेंटली लार्ज टू फॉर्म ए टू सर्फेस इंक्लोजर एंड स्टडी स्टेट कंडीशन, देखो दे रखा है टू सर्फेस इंक्लोजर, इतना लार्ज है कि इसके बीच में थोड़ा गैप तो है ही, है नहीं? टू सर्फेस एंक्लोजर इतना लार्ज है कि एक दूसरे को इन्होंने घेर रखा है, ऐसा है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन लगे, स्टडी स्टेट कह रहा है, देखो मैंने दो जंक्शन बताए थे, दोनों जंक्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होना चाहिए, स्टडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए, और दूसरा लार्ज और ग्रे सर्फेस। इस वाले कंडीशन में लग रहा है यहाँ पर लार्ज और ग्रे सर्फेस, जो ब्लैक सर्फेस नहीं है उसके लिए लार्ज डिफ्यूज एंड ग्रे सर्फेस है। अब इसने ब्लैक सर्फेस इसको दे रखा है तो हम मान लेंगे ब्लैक सर्फेस ही है। तो उसने पहले दो पार्ट हैं इसके, पहले पार्ट में उसने पूछा था इरेडिएशन फॉर द प्लेट वन, इरेडिएशन क्या होता है? इरेडिएशन मतलब टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। टोटल रेडिएशन एनर्जी किस कहीं से, टोटल रेडिएशन एनर्जी मतलब कि जो जैसे टोटल इरेडिएशन मतलब, अब आप कहोगे यार ये तो इसमें नया टर्म देने की जरूरत है, टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, तो टोटल में क्या आ गया ना, जो ये रेडिएशन एनर्जी, जो ये ब्लैक सरफेस रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा 1000 केल्विन पर, रेडिएशन एनर्जी जो रिलीज करेगा भाई, ये सारी की सारी अब्जॉर्ब तो करेगा नहीं क्योंकि ब्लैक सरफेस तो है नहीं, तो यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस प्लेट वन पे, तो वो स्ट्राइक करी वो काउंट होगी, वो इंसिडेंट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्राइक करने के बाद जो यहाँ पर एक तो वो इंसिडेंट एनर्जी और दूसरी प्लस जो इस सरफेस से रेडिएशन एनर्जी निकली है, डायरेक्ट इस सरफेस से जो रेडिएशन एनर्जी निकली है वो यहाँ स्ट्राइक करेगी प्लस वो रेडिएशन एनर्जी, दो हो ही नहीं होगी। तो टोटल रेडिएशन एनर्जी मतलब टोटल रेडिएशन एनर्जी कहीं से भी स्ट्राइक करके आए, कहीं से भी आए और पर वो उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, उस सरफेस पे चाहे वो घूम फिर के कहीं से स्ट्राइक करके उस सरफेस पे पड़ लिया, तो टोटल हो गया वो,
तो टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज द इरेडिएशन। ठीक है, तो उसने पूछा है इरेडिएशन को टर्म को हम शो करते हैं जी से, कैपिटल जी। इरेडिएशन से क्या शो करते हैं? कैपिटल जी। तो टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस प्लेट वन हमको निकालना है, तो टोटल रेडिएशन एनर्जी निकालो। चलो सबसे पहले तो इसके द्वारा जो रेडिएशन एनर्जी इसने इमिट करी है वो आएगी, तो वो कितनी आएगी? अब वो आएगी देखो कैसे, यहाँ से कितनी इमिट करी इसने सरफेस टू ने, कितनी इमिट करेगा? कितनी इमिट करेगा भाई, बता बता बता। सरफेस टू कितनी करेगा? क्यू टू रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया कितनी करेगा? सिग्मा एप्सिलॉन टू टी टू की पावर फोर, इतनी इमिट करेगा। ठीक है, इतनी इमिट करेगा क्योंकि ब्लैक सरफेस तो है नहीं, एमिसिविटी आएगी। ठीक है, और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया तो कितनी आ गया ये 5.67 10 टू द पावर माइनस 8, इमिसिविटी कितनी है 0.7, टेम्परेचर कितना है 500 की पावर 4, कितना आया, कितना है कैलकुलेट करो। 5.67 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ये आया 2480.625 वाट पर मीटर स्क्वायर। वो तो इसने तो इतनी रेडिएशन एनर्जी यहाँ से इमिट करी, और जो ये इमिट करेगा वो टोटल की टोटल ये सरफेस प्लेट वन एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि ब्लैक सरफेस है, यहाँ से इसकी कोई इमिसिविटी नहीं दे रखी है, इमिसिविटी मतलब वन मान लो, तो टोटल की टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, टोटल की टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि एब्जॉर्बिविटी इसकी वन है, तो वन का मतलब ना कोई रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही कोई ट्रांसमिट करेगा, तो टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इतनी रेडिएशन एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस सरफेस से जो इंसिडेंट हुआ 2480 सारे की सारी ये इंसिडेंट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया इसने। अब उसके बाद ये जो ब्लैक सरफेस है ये कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कौन सी करेगा? तो सरफेस वन कौन सी करेगा रेडिएशन एनर्जी इमिट? सरफेस वन कितनी करेगा? ब्लैक सरफेस है तो कितनी करेगा? सिग्मा T1 की पावर 4, तो कितना होगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, टेम्परेचर कितना है 1000 की पावर 4। ठीक है, इसमें इमिसिविटी तो है नहीं क्योंकि ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस है तो केस में स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ कहता है कि टोटल हेमिस्फेरिकल रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। तो कितना है ये बताओ? 1000 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कितना आया? 5.67 00 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी रेडिएशन एनर्जी ये सरफेस प्लेट वन इमिट करेगा, पर हमको तो इंसिडेंट निकालना है, तो यहाँ से इसने इमिट करा, यहाँ से रेडिएशन एनर्जी मान लो गई, ये गई Q1 गई, यहाँ से गई कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई भाई देखो रिफ्लेक्ट होगा कैसे? तो अब हम मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इज इक्वल टू वन। तो ये जो है ना ओपेक सरफेस, हम हमेशा क्वेश्चन में अज्यूम करके चलते हैं, अगर ओपेक अगर हमको ट्रांसमिटिविटी नहीं दी होती है तो हम मानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट है या कोई भी जिस सरफेस पे भी वो रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो उस केस में ट्रांसमिटिविटी हम जीरो मान के चलते हैं। ट्रांसमिटिविटी जीरो किस केस में होती है? ओपेक सरफेस उसको कहते हैं। तो हम मान के चलते हैं ट्रांसमिटिविटी जीरो हो गई, तो अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू वन।
तो सरफेस टू की हमको इमिसिविटी 0.7 दे रखी है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि कोई सरफेस अगर अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल रेडिएशन मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, अगर वो उस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने सराउंडिंग में जो कोई सरफेस प्लेट है और वो अपनी सराउंडिंग से थर्मल अपनी सराउंडिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, मतलब क्या होगा कि अब जैसे कहीं भी आप जाओगे किसी, जैसे आप अभी गर्मी हो रही है और पहाड़ी इलाके में चले जाओ, ठीक है, तो आपको थोड़ा टेम्परेचर आपको लगेगा ना कि यार मैं गर्मी इलाके मतलब मौसम मेरा जहाँ वो है लोअर है मतलब हायर है मैं लोअर तो मेरे बॉडी को वो इक्विलिब्रियम स्टेट आने में टाइम लगेगा। तो वैसे ही अगर सराउंड अगर कोई भी सरफेस अपनी सराउंडिंग से सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है तो उस केस में किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन कहते हैं कि एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू इमिसिविटी। तो पैरेलल जो ग्रे सरफेस और ये सब के केस में ना हम मान के चलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी इमिसिविटी के बराबर होती है। तो इमिसिविटी 0.7 देखिए तो 0.7 प्लस रो इक्वल्स टू 1 तो रिफ्लेक्टिविटी कितनी हो गई 0.3। और रिफ्लेक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी उस सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी उस सरफेस टू पे इंसिडेंट कर रही है तो इसका 0.3 पार्ट 1 का 0.3 पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना रिफ्लेक्ट होगा तो कितनी इंसिडेंट करी 5,6,7,0,0 उसने रिफ्लेक्ट करा तो कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया इसका 0.3 इसका 0.3 जो हो गया। तो इसका अगर मैं इसको कितना करूं ये Q1 है तो Q2 डैश मैं कह देता हूँ तो कितना रिफ्लेक्ट करेगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5,6,7,0,0 कितना हो गया 17,010 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसने इतना रिफ्लेक्ट कर दिया मतलब 17,010 इतना रिफ्लेक्ट कर दिया और ये खुद कितना इमिट कर रहा था इतना 2,480.625। तो इरेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन में क्या होगा टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो टोटल रेडिएशन एनर्जी कितना इंसिडेंट कर रहा है सरफेस वन पर, एक तो जो रिफ्लेक्ट हुआ ये और ये तो इनको जोड़ दो तो जी कितना आएगा Q2 प्लस Q2 डैश तो कितना आया 2,480.625 प्लस 17,010 कितना आया 19.49 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर 19.49 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इतना इरेडिएशन होगा मतलब कि टोटल इंसिडेंट। अब देखो अब आप कहोगे यार जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से ऐसे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा क्योंकि जो प्लेट वन है वो ब्लैक सरफेस है और मैंने आपको बताया ब्लैक सरफेस इज द सरफेस व्हेन किसी भी इन ऑल डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से उस पर रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट करती है किसी भी वेवलेंथ की, कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी हो और किसी भी डायरेक्शन से अगर ब्लैक सरफेस पे इंसिडेंट करती है वो तो सारी की सारी इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। उस केस में एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है, वो ना रिफ्लेक्ट करता है ना ट्रांसमिट करता है सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर ये जो प्लेट है ना ब्लैक सरफेस नहीं होती ना तब रिफ्लेक्ट करता, अगर इसकी इमिसिविटी दी होती ना इस सरफेस की तब रिफ्लेक्ट करता। ठीक है इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसके दो पार्ट थे, इसका दूसरा पार्ट क्या है देखो दूसरे पार्ट में उसने पूछा है इफ प्लेट वन एंड इज आल प्लेट वन इज आल्सो ए डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस। अब जो प्लेट वन है ना वो ब्लैक सरफेस ना होके डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस हो गया विद एन इमिसिविटी उसकी दे दी 0.8। अब इस केस में जब इंसिडेंट सर इस केस में जब वो रेड जब
क्या कहते हैं जो प्लेट टू से इमिसिव मतलब प्लेट टू से जो रेडिएशन एनर्जी गई थी ना दोनों, एक तो रिफ्लेक्ट हो के और एक उसकी खुद की जब वो प्लेट वन पे इंसिडेंट हुए स्ट्राइक किए उन्होंने, तो प्लेट वन ने तो सारी एब्जॉर्ब कर ली। पर इस केस में अगर वो पूछेगा कि अब कितनी इंसिडेंट इन रेडिएशन पूछा है इस केस में, तो उस केस में जो उसने अब्जॉर्ब करी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, इस केस में क्या होगा वो दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि इमिसिविटी इसमें 0.8 दे रखी है, ब्लैक सरफेस नहीं है अब इस केस में। तो द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन प्लेट वन एंड प्लेट टू, तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज उसने पूछा है बिटवीन प्लेट वन एंड प्लेट टू, ठीक है। तो प्लेट वन मैंने क्या कहा, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है। अब इस केस में दोनों ग्रे डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस है, इसकी इमिसिविटी 0.7 और इसकी इमिसिविटी 0.8। इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन पहले से ही दे रखा था, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन, दोनों डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेस है, ठीक है। तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज दोनों इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, तो मैंने आपको इससे पहले कुछ में बता रखा था कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट के केस में हम नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, Q12। अब मैं Q12 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नेट रेडिएशन 1000 T1 ग्रेटर देन T2 है, तो जो ज़्यादा हीट लॉस होगा वो सरफेस वन से होगा, ज़्यादा है हीट लॉस सरफेस वन से होगा, ज़्यादा इंसिडेंट जो हीट लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे सरफेस टू पे जाएगी कुछ, ठीक है, सरफेस टू पे सबसे ज़्यादा हीट जाएगी ना इन कंपेरिजन टू सरफेस वन, क्योंकि सरफेस वन का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट लॉस वन टू हीट एक्सचेंज, तो क्या होगा मैंने क्या बताया था, और पर यूनिट एरिया, क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है दोनों का एरिया सेम है, मैंने ये बताया था इसमें सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ये था नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला इन केस ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट। तो सिग्मा क्या है 5.67 × 10⁻⁸, T1 कितना है 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 डिवाइडेड बाई इमिसिविटी कितनी है 0.8 प्लस 1/0.7 माइनस 1, तो कितना आएगा, कितना आएगा देखो, यह आया 31.67 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोवाट पर 31.67 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज होगा दोनों सरफेस जो दोनों इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट हैं के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल फर्नेस है जिसका रेडियस 1 मीटर है, ये हेमिस्फेरिकल फर्नेस है इसका रेडियस 1 मीटर है, हैज द इनर सरफेस, इस हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, कोई बॉल होती है स्फेयर बॉल होती है देखा है, और उसको हाफ कर देंगे तो हेमिस्फेयर बनता है एक, ठीक है, उसको एक किसी प्लेन प्लेट प्लेन सरफेस पे रख दो तो वो ऊपर से देखोगे तो दिखता है कि हेमिस्फेयर टाइप का, ठीक है, जिसका रूफ है उसकी इमिसिविटी 1 है, इसका जो रूफ है ना ये इसकी इमिसिविटी 1 है और टेम्परेचर दे रखा है 800 केल्विन इसके रूफ का, और नीचे इस हेमिस्फेयर के नीचे इसका फ्लोर है तो उसकी इमिसिविटी 0.5 और टेम्परेचर 600 केल्विन दे रखा है, तो जो ये फ्लोर है ना ये एक सर्किल बनाएगा, आप देख रहे होगे ना हेमिस्फेयर गोल ऐसे गोल गोल रहेगा, तो नीचे एक फ्लोर एक सर्किल बनाएगा, ऊपर तो हेमिस्फेयर है पर नीचे फ्लोर एक सर्कल बनाएगा, सर्कल जैसे ये जो अगर आप कटोरी हेमिस्फेयर, तो ये हेमी ऊपर देखो ये हेमिस्फेयर है ना, तो नीचे ये सर्कल बनाएगा, सर्कल ऐसे करके समझ गए, तो ये सर्कल बनाएगा, तो
ठीक है, तो ये जो नीचे ये प्लेन नहीं है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये हेमिस्फेयर, ऊपर तो हेमिस्फेयर है तो नीचे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो अब ठीक है, अब T1 ग्रेटर देन T2, तो इसने पूछा नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रूफ टू द फ्लोर, वो तो होगा क्योंकि टेम्परेचर T1 का ज़्यादा है, T1 800 केल्विन है, T2 600 केल्विन है, तो नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर रूफ से फ्लोर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा फॉर्मूला, Q12 नेट रेड हीट फ्रॉम 1 से 2 की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 इंटू FG 1 से 2। अब यहाँ पर आप कह रहे हो यार ये FG12 क्या है, देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूँ कि FG12 जो है वो नेट व्यू फैक्टर है, नेट कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है, नेट रेडिएशन रेजिस्टेंस है। जैसे कंडक्शन में रेजिस्टेंस था ना ΔT/R, ठीक है, यहाँ पर भी ये जो FG12 है ना, इसको एक टाइप का रेजिस्टेंस ही मानो, इमिसिविटी, तो ये नेट व्यू फैक्टर है, टोटल व्यू फैक्टर है। जैसे हम इमिसिविटी F12 निकाल देते, ठीक है, F12 निकाल देते, F21 निकाल देते, तो उस केस में इमिसिविटी हमको नहीं दी होती थी, पर इस केस में इमिसिविटी दी है ना दोनों की, तो भाई तो उसमें नेट आएगा क्योंकि इमिसिविटी दोनों की दी है। यहाँ से इसने रेडिएशन इमिट करा, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रेडिएशन इमिट करा, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो उसका टोटल निचोड़ आया ना वो FG12 में आया। तो FG12 क्या होता है, देखो ग्रॉस, ठीक है, FG12 क्या होता है, 1/1 माइनस ε1/ε1A1, ये सरफेस 1 के लिए हो गया, प्लस 1/A1F12 प्लस 1/ε2 इंटू A2, ये होता है FG12 टोटल, समझिए, इसमें इमिसिविटी भी काउंट हो गई और व्यू फैक्टर भी आ गया, जो सिंपल व्यू फैक्टर निकालते थे वो वाला व्यू फैक्टर भी आ गया F12, क्योंकि हमको रेडिएशन हीट एक्सचेंज करना है 1 से 2, नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर लॉस फ्रॉम 1 से 2, मतलब रूफ से फ्लोर की तरफ कितना हो रहा है, तब इस केस में हमने FG12 लिया है, तो यहाँ पर भी हम F12 लेंगे। अगर 2-1 लेते तो यहाँ 2-1 होता, यहाँ 2-1 और नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर 2-1, समझे। तो इसमें F12 कितना है, F12 कितना है भाई, 1 से 2 नहीं पता ना, क्योंकि 1 से जो रिलेटिव हीट ट्रांसफर एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ भी आएगी और इसके सरफेस पे भी स्ट्राइक करेगी। अब F12, तो F12 कैसे निकाले, F12 प्लस F11 इज इक्वल्स टू 0, नहीं इज इक्वल्स टू 1। F12 कैसे निकाले, F12A1 इज इक्वल्स टू F21A2। अब बताया F21 तो भाई सर्कुलर प्लेट है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, तो वो तो जितनी इमिट करेगी ऊपर कोई जाएगी, उसके ऊपर तो कोई रिलीज नहीं हो रही ना, मतलब इस केस में F22 तो 0 है ना, तो F21 प्लस F22 इज इक्वल्स टू 1, तो F22 तो 0 है, तो F21 कितना हो गया 1, तो F21 1 हो गया, तो F12 कितना आएगा, A2/A1, तो A2 कितना है, A2 क्या है, एरिया, A2 कितना है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, सर्कुलर प्लेट कह रहा हूँ मैं, तो πr² इस सर्कुलर प्लेट का सर्कुलर एरिया πr² होता है, नहीं होता। अब A1 का सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², तो हेमीस्फेयर का 2πr² अब भाई रेडियस की तो सर्कुलर प्लेट की भी 1 मीटर है और हेमीस्फेयर की भी 1 मीटर है, तो ये कट जाएगा, तो 1/2 तो कितना आया 0.5, F12 कितना आ गया 0.5, ठीक है, F12 कितना आ गया 0.5 आ गया, तो F12 यहाँ 0.5 रखेंगे, ठीक है,
F12 यहाँ 0.5 रखेंगे, और मैं अगर क्या करूँ A1 को ऊपर ले जाऊँ, मतलब A1 को मैं यहाँ ले जाऊँ, मतलब कि FG12 A1 को मैं ऊपर ले गया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 1, और मैं एप्सिलॉन 1 की वैल्यू भी रख देता हूँ। कितनी है एप्सिलॉन 1 की वैल्यू, देखो इमिसिविटी कितनी है, 1 है डिवाइडेड बाय 1 एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस A1 की, A1 को मैं ऊपर ले गया हूँ ना, A1 को ऊपर ले गया हूँ, तो F12 की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस A1 ओवर A2 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी है 0.5। A1 और A2 A1 बाई A2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली थी ना, ये कितने आई, A1 बाई A2 कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना होगा 2 हो गया, क्योंकि A2 बाई A1 तो 0.5 है, तो A1 बाई A2 कितना होगा 1 बाई 2, मतलब A1 बाई A2 कितना होगा 2 होगा, 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इसको सॉल्व करें कितना आएगा, अब मैं नीचे वाले को सॉल्व करें कितना आएगा, 1 से 1 ये तो 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, तो A1 डिवाइडेड बाई ये कितना आया, ये ऊपर गया 2 प्लस 0.5 कट गया 2 4 A1 बाई 4 FG12 कितना आ गया A1 बाई 4। तो Q12 कैसे निकालें, Q12 इज इक्वल्स टू FG1 Y2 की वैल्यू क्या है, A1 डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ठीक है, A1 एरिया ऑफ A1 टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सिग्मा की वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸, T1 की वैल्यू 800 × 4 − 600 × 4, तो कितना आया, कितना है 5.67 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 4 × 2 डिवाइड बाई पाई, तो कितना आया 24.937 किलोवाट, समझ गए 24.937 किलोवाट, इतना आ गया नेट रेडिएटिव हीट एक्सचेंज फ्रॉम द रूफ टू द फ्लोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, कह रहा कि ये सॉलिड स्फेयर है ऑफ रेडियस R1, ये रेडियस R1 है, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड है R1 इसका रेडियस देगा, प्लेस्ड कंसेंट्रिकली, मतलब कि कंसेंट इनसाइड है हॉलो स्फेयर, और ये जो नंबर 2 है ये हॉलो स्फेयर है, अंदर वाला सॉलिड स्फेयर है बाहर वाला हॉलो स्फेयर है, और दोनों कंसेंट्रिकली रखे हुए हैं, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, उसकी रेडियस 30 mm है, द व्यू फैक्टर F21, मतलब F21 हमको निकालना है, ठीक है, मतलब अगर 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी सरफेस टू कौन सा होलोस्फेयर, बाहर वाला होलोस्फेयर, तो इसका जो इनर सरफेस है 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिट करता है, तो उसका कितना फ्रैक्शन इस सरफेस 1 जो सॉलिड स्फेयर है इस पे इंसिडेंट करता है, मतलब 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी अगर ये जो होलोस्फेयर है इसका इनर सरफेस इमिट करता है या रिलीज करता है, तो उसका कितना फ्रैक्शन इस सॉलिड स्फेयर पे इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा, कि F21 हमको निकालना है, तो F21 हमको निकालना है, तो उसके लिए F21 हमको पता है F22 इज इक्वल्स टू 1 जो होता है, या एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, F21 इज इनटू A2 F12 इनटू A1, तो F12 कितना है, देखो F12 क्या है 1 2, रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम सरफेस 1, मतलब सॉलिड स्फेयर से, और 2 पे
विद रेस्पेक्ट टू टू, मतलब अगर वन यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी ये सरफेस वन जो सॉलिड स्फीयर है ये इमिट करता है, तो टू पे कितना फ्रैक्शन पहुँचेगा? पूरा का पूरा पहुँचेगा, क्योंकि इस पूरे इस सॉलिड स्फीयर को इस हॉलो स्फीयर ने एनक्लोज कर रखा है, पूरा चारों तरफ से घेर रखा है। तो इस केस में एफ वन टू क्या होगा? वन होगा। तो एफ वन टू वन हो गया, तो ए वन ओवर ए टू, एफ वन टू कितना है? वन, ठीक है, एफ वन टू वन है, तो एफ टू वन यहाँ से निकल जाएगा। तो ए वन कितना है? ए वन का ए वन क्या है? सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया कितना है? फोर पाई आर स्क्वायर, अगर मैं ए वन की बात करूँ। और ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का कितना सरफेस एरिया होगा? इसका भी सरफेस एरिया दो, हॉलो स्फीयर है तो इसका भी सरफेस एरिया फोर पाई आर टू स्क्वायर, तो फोर पाई से फोर पाई कट गया, तो आर वन, आर वन कितना है? ट्वेंटी, और आर टू कितना है? थर्टी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? दो बटे चार, तीन तीन नौ, तो एफ टू वन कितना आ गया? फोर चार बटे नौ, मतलब फोर बाई नाइन, एफ टू वन आ गया फोर बाई नाइन, ठीक है।